डी रेंजी हेल गॉड कॉन्ट्रैक्ट ये एक एक्शन थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है जिसका अल्टरनेट टाइटल है डिटेक्टिव डी एंड द पैक्ट विद द अंडरवर्ल्ड गॉड्स। इस मूवी में पॉन शॉप के ओनर का खून हो जाता है और कुछ लोगों ने खोपड़ी राक्षस को भी देखा है। महारानी इस केस को सुलझाने के लिए डिटेक्टिव डी रेंजी को बुलाती है। डिटेक्टिव डी को यह पता लगाना है कि यह खून कौन कर रहा है और क्यों। मूवी की कहानी काफ़ी नॉर्मल है लेकिन इसका प्रेजेंटेशन अच्छा है, डायरेक्शन इंप्रेसिव है और परफॉर्मेंसेज भी मुझे पसंद आए। कैरेक्टर्स को डेवलप नहीं किया है लेकिन फिर भी आप कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो पाते हो। कुछ कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग भी है और मूवी की प्रोडक्शन डिजाइनिंग भी अच्छी है। यह लगभग सिर्फ 1 घंटा और 15 मिनट की मूवी है जिसे आप एंडिंग तक देख पाते हो। केस सॉल्व करने का तरीका यूनिक तो नहीं है लेकिन फिर भी डिसेंटली एंगेजिंग है। मूवी की मिस्ट्री बहुत बढ़िया तो नहीं है लेकिन फिर भी एंडिंग में आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है। इस मूवी का अगला पार्ट भी आने वाला है जिसे एंडिंग में ही कन्फर्म कर दिया है। एक्शन सिक्वेंसेस अच्छे थे और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बहुत बढ़िया है। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग मुझे पसंद आई और मूवी के सेट्स भी अच्छे हैं। सिनेमाटोग्राफी भी इंप्रेसिव है और मूवी को अच्छे लोकेशंस पर शूट किया है। स्क्रीन प्ले भी मुझे डिसेंटली एंगेजिंग लगा क्योंकि मूवी को आप पूरा देख पाते हो। इसमें कोई एडल्ट सीन नहीं है तो इसे आप फैमिली के सामने भी देख सकते हो और इसकी हिंदी डबिंग भी अच्छी है। प्रो ऑडियंस को ये कुछ खास पसंद नहीं आएगी लेकिन ओवरऑल ये एक डिसेंट और देखने लायक मूवी है। हालांकि मैं ये ज़रूर कहूँगा कि यह बाकी डिटेक्टिव डी मूवी जितनी अच्छी नहीं है। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।